हेलो गाइज, माय नेम इज राहुल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल देवभूमि सीकर। तो जैसे कि हमारा पिछला वीडियो हमारे ईस्ट गुलू देवता के बारे में था, जिसने वो वीडियो नहीं देखी और जो गुलू देवता के बारे में जानना चाहते हैं वो उस वीडियो को जरूर देखें। जाते होंगे देसी लोग अपने लिए न्याय का इंसाफ मांगने कोर्ट में, पर हम पहाड़ी तो आज भी गुलू देवता के दरबार में सबसे पहले जाते हैं। तो जैसे कि उत्तराखंड में गुलू देवता को न्याय का देवता माना जाता है, गुलू देवता का आशीर्वाद और हमें इनके ऊपर विश्वास हमें एक दूसरे से जोड़े रखता है। वैसे तो उत्तराखंड में गुलू देवता को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, उनके कई सारे मंदिर भी, पर इन पे हमारी श्रद्धा और विश्वास एक ही जैसा है। गुलू देवता के मंदिरों में से सबसे प्रसिद्ध मंदिर अल्मोड़ा का चितई मंदिर। यहाँ केवल उत्तराखंड से ही नहीं, देश विदेश से भी लोग अपना अपना दुख दर्द लेके आते हैं। अल्मोड़ा का चितई गुलू मंदिर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे पे अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर स्थित है। जैसे कि ये मंदिर पहाड़ों में है तो इसके लिए घंटों ट्रैकिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस रोड से कुछ ही कदमों की दूरी पे। आखिर चितई मंदिर बना कैसे, ये जानना उतना ही जरूरी है जितना चाय में चीनी। हाँ, बिना चीनी की चाय पी सकते हैं लेकिन वो स्वाद नहीं आएगा, इसलिए हमें मंदिर के हिस्ट्री के बारे में भी उतना ही जानना जरूरी है जितना कि मंदिर के बारे में। अगर हम थोड़ा पीछे चलें तो हम इसको थोड़ा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मैंने वक्त में पीछे जाने की बात की, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अगर हम वक्त में थोड़ा पीछे चले तो इसको हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। 16वीं सदी में कुमाऊं में चंद शासकों का राज था। उस समय कुमाऊं के शासक थे बाज बहादुर। कहा जाता है कि गुलू देवता चंद वंश की सेना में एक जनरल और एक युद्ध के दौरान वीरता प्रदर्शित करते हुए इनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके सम्मान में अल्मोड़ा में चितई मंदिर की स्थापना की गई और तब से लेकर आज तक चितई में भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसा कहते हैं कि गुलू देवता के समक्ष अपनी इच्छाएं रखने से वह आपको कभी निराश नहीं करेंगे। अल्मोड़ा का चितई मंदिर इसलिए भी फेमस है क्योंकि आप अगर अपनी इच्छा लेकर गुलू देवता के दरबार पे खुद नहीं आ सकते तो आप अपनी इच्छाएं एक चिट्ठी पे लिख के भी इसे भेज सकते हैं। इस मंदिर में अगर आप जाते हैं तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, यहाँ बंधी हुई हजारों घंटियाँ। यहाँ इतनी घंटियाँ कि इसे घंटी वाला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सब घंटियाँ आपको विश्वास दिलाती हैं कि कुलजू के सामने आप कभी निराश नहीं होंगे। इन घंटियों में उन लाखों लोगों की श्रद्धा और खुशी महसूस होती है। ये सब घंटियाँ उन लोगों द्वारा बांधी गई है जिन्होंने कभी ना कभी यहाँ आके नहीं तो चिट्ठियों के द्वारा अपनी इच्छाएं गुलू देवता के सामने रखी और पूरी होने के बाद सच्चे मन से इन घंटियों को चढ़ावे के तौर पे यहाँ बांध दिया। मंदिर परिसर के बीचों बीच आपको गुलू देवता का छोटा सा मंदिर देखने को मिलेगा और उसमें रखी गुलू देवता की मूर्ति और आसपास बंदी लाखों चिट्ठियाँ। अगर आपकी भी कोई इच्छा हो तो जाइए गुलू देवता के दरबार पे, और अगर नहीं जा सकते तो लिख दीजिए गुलू देवता के नाम पे चिट्ठी और पहुँचा दीजिए उसे उसकी मंजिल पर। चितई गुलू मंदिर की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तराखंड से जुड़ी और भी कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।